पुराने जमाने की वेट मशीन। अगर वैसे मैंने शूज़ पहने इसका कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, वो ये तो 100 दिखा रहा है। चलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज डेट है 6 मई और टाइम हो रहा है अभी सुबह के 10:30। तो अभी थोड़ी देर पहले बस उठा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ सबसे पहले अपनी बाइक वॉश करवाने। तो चलो चलते हैं और यहाँ पे देख सकते हो कैसी है। सबने मना करा था कि मैं हमें नहीं दिखाना, तो मैं नहीं दिखा रहा, तो चलो चलते हैं बाहर। तो बाइक की हालत आप देख सकते हो कितनी गंदी हो रही है बारिश में। इतनी गंदी तो मैंने कभी रखी नहीं। टाइम देख लो, कुछ देख लो, सभी गंदा हो रहा है। तो चलो चलते हैं वॉश कराने बाहर। तो गाइस अभी तो फिलहाल उनकी शॉप बंद है, चलते हैं घर वापस थोड़े ग्राउंड मार के। अब बाहर निकला तो घूम भी लेता हूँ। गाइस घर हम अपना आ चुके हैं वापस। सर्विस में अभी पहले फिलहाल तो कपड़ा मार देता हूँ क्योंकि देखने में काफ़ी गंदी लग रही है। पीछे नंबर प्लेट तो कुछ भी नहीं थी, आपको कैमरे फिर भी दिख रही, बट सामने से समझ भी नहीं आ रही। चलो चलते हैं। सो गाइस अभी जितनी साफ होती हो सकती थी मैंने कर दी। टैंक से भी, पीछे से भी, नंबर प्लेट भी, ये भी, सब सारा मिट्टी यहाँ पर आती है इसके, देख सकते हो। ये मैंने जितनी साफ हो सकती पूरी कर दी शॉप पर। टैंक के भी निशान है मिट्टी के जो जम रहे हैं ऊपर, और इस पर एक बार मेरे को पेंट करना पड़ेगा। पेंट हट भी रहा है, टल भी पड़ रहा है, एक बार खुलवा के उसको पेंट कर दूँगा। और बाकी मीटर का साफ कर दिया मैंने, आगे से भी कर दी, मतलब जितनी हो सकती है उतनी मत कर दी। टायर रह गए, ये रह गया, और इधर का तो ये भी नहीं हो पाया क्योंकि इधर भी लॉक है। अब जितनी हो गई हो गई, और आगे शाम को वॉश करा लूँगा, दिन में करा लूँगा क्लिनिक से आते टाइम। चलो चलते हैं आगे। सो गाइस मैं एकदम नहा धो के अभी रेडी हो चुका हूँ। मैं टी शर्ट पर मत जाना, ये टी शर्ट मैंने सुबह पहन ली जब आ जा रहा था, तो मैंने यही पहन लिया। तो देख सकते हो कपड़े मैं पहन चुका हूँ पूरे, बाल वगैरह मैंने सेट नहीं करे और मैं करूँगा भी नहीं, इन्हें ऐसे रहने देता हूँ अभी, फिर शाम को या दिन में जब कराऊँगा जब करूँगा। सो गाइस क्लिनिक पर आ चुका हूँ मैं अभी, पेश आपका दवाई दिख ही रही होगी। तो यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा करने के लिए है नहीं, हम चलते पहले बाहर। मेन डिस्प्ले में आपको एक चीज़ दिखा रही है, अभी तो बाइक में मेरे इशू आ रहा है। सो भाई इसका जो है हॉर्न का इशू आ रहा है, क्योंकि जब मैंने कंपनी से सर्विस कराई थी उसके हॉर्न के अंदर पानी चले गया था। ये देखो मैं दोबारा तो कुछ आवाज़ नहीं आ रही, एक ये है और एक ये है, इस स्कोडा कंपनी के हॉर्न थे, तो कंपनी फिटेड नहीं थे, कंपनी फिटेड हॉर्न नहीं थे, ये मैंने खुद लगवाए थे बाहर से। तो पर अब उन्होंने तो ख़राब कर ही दिया, मैं उन्हें कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि अब 3-4 दिन हो भी गए हैं। अगर उसी दिन पता चलता था, क्योंकि जब भी वॉश होती है अगर इसके अंदर पानी जाता है तो ठीक हो जाते थे अपना भी पानी सूख के, बट अब की बार पता नहीं उन्होंने क्या ही करा है। तो अब इसके अंदर से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही, जो थोड़ी बहुत थी वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो अब मेरे को सबसे पहले तो हॉर्न चेंज कराने पड़ेंगे, तो कराएंगे आज या कल में इसका हॉर्न चेंज कराएंगे, क्योंकि हॉर्न ज़रूरी है। काफ़ी बार हॉर्न की जरूरत पड़ती है तो नहीं होती, तो उसी दिन से बिना हॉर्न के चला रहा हूँ। उसे मैंने बाल ठीक कर लिए थे बट हवा की वजह से थोड़े ऐसे हो गई है, वैक्स लगा ली थी मैंने, एंड आज मेरे को जाना है जिम भी जाना है, स्वास्थ्य डाइट पे भी हूँ मैं। सो देख मैं आपको अपना डाइट का रूटीन भी दिखाऊंगा कल से अपने डेली का, आज तो मैं नहीं दिखा पाया, सुबह ही मैंने चाय पी ली थी वो ख़राब। चल छोड़ो कोई नहीं, अब कर लेते डाइट शुरू। तो फिर चाय पी थी कुछ, वैसा नहीं खाया मैंने फ्राइड वगैरह। सो देख सकते हो, तो आज शाम को जाना है जिम 6 बजे, और आज है थर्सडे। सो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन तो मैं मैक्स ही करूँगा जिम में जाके, क्योंकि 2 महीने से जिम छोड़ रखी है तो बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रही है। अगर एकदम से हार्ड एक्सरसाइज करूँगा तो फिर मंडे से जो अपना मेरा पहला का रूटीन था एकदम, मतलब स्ट्रिक्ट डाइट और एकदम स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज, मतलब 3-3 घंटे जिम करता था मैं पहले, और जिम छोड़ते मोटा हो गया वापस। अब 3 महीने करनी है जिम, इससे बॉडी का फैट बिल्कुल ख़त्म हो जाए, बिकॉज अब काफ़ी ज़्यादा मोटा हो चुका हूँ मैं, बॉडी वेट ही मेरा काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अप्रॉक्स 96 ही है। एक सेकंड, यहाँ पे वेट मशीन भी है, देखो ये पुराने ज़माने की वेट मशीन। अगर वैसे मैंने शूज़ पहने इसका कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, वो ये तो 100 दिखा रहा है, इसने तो बेइज्जती करा दी मेरी। अब तो जिम जाना पड़ेगा पक्का, वो देख के मैं खुद हैरान हो चुका हूँ इतना वेट कैसे बढ़ गया मेरा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 87 रहा था, फिर अब 96 हो गया था, बट मैंने वापस कम कर लिया था 86 तक, बट 88 तक जो भी था मेरे को याद भी नहीं है, बट हाँ मैंने 8 किलो कम कर लिया था 21 दिन में।
सो अब दोबारा डाइट पे हूँ। 3 महीने, 1 महीने में फर्क, बहुत अच्छा फर्क आ जाएगा मेरे को पता है। और 3 महीने में जो मेरे को जैसी मेरे को बॉडी चाहिए वैसी हो जाएगी प्रॉपर। सो अब मेरे को उम्मीद नहीं थी इतना ज़्यादा वेट मेरा बढ़ गया होगा, बट हाँ बढ़ गया है तो मेहनत इतनी ज़्यादा करनी पड़ेगी। कोई नहीं, 3 महीने हैं, 3 महीने कर लेंगे। और फिर उसके बाद 3 महीने के बाद वैसे आपको डेली ब्लॉग्स में दिखते रहेगा मेरा डेली रूटीन। और पहले सब में फ़र्क देखो, डबल चिन भी आ चुकी है मेरी। सो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती मेरे को, इस वजह से मेरे को जिम दोबारा करना पड़ेगा। सो आज चलेंगे जिम शाम को और दिखाऊंगा आपको अपना जिम। जिम मैं वैसे इतना शूट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अगर जिम जाऊंगा तो मैं जिम में ही ध्यान दूंगा, फ़ोन में वहाँ पर चलाता भी नहीं जिम में जाके कभी। भाई जैसे मेरा वेट मैंने आपको दिखाया अभी 100 है, तो ऑलमोस्ट 75 तक मिल जाऊंगा इसे 3 महीने में, आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट हाँ डाइट वगैरह में कभी कभी मन करता है बाहर का, बट हाँ एक बार जब मैं डाइट पर हो जाता हूँ तो फिर मेरा मन नहीं करता, चाहे जो मर्जी मेरे सामने आ जाए, चाहे जो मर्जी मेरे को दिख जाए, फिर मेरा खाने का मन नहीं करता अगर मैं एक बार डाइट पर आ जाता हूँ। तो भाई जैसे मैंने आपको लोगों को बताया मेरे फ़ोन में इशू आ रहा बहुत ज़्यादा स्टोरेज का, तो फिर उसी के चक्कर में मेरी वीडियो बीच में रुक गई थी शूट करते करते। सो मैं इस ब्लॉग का ही एंड कर रहा हूँ क्योंकि इस फ़ोन को मेरे को दोबारा रीसेट करना पड़ेगा। पहले उसमें वीडियो को एडिट करके अपलोड कर दूँ, फिर उसके बाद फ़ोन रीसेट करके फिर शाम को नया ब्लॉग बनाऊंगा, या दिन से जब भी मतलब शाम से बनाऊंगा, क्योंकि जब मैं जिम जाऊँगा तभी मैं ब्लॉग को स्टार्ट करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। So, bye-bye, take care.